फिर गॉस थ्योरम करी और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए. लेट्स नाउ गेट टू पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक अभी भी हम स्टैटिक चार्जेस की ही बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी चार्जेस ओनली. इन चैप्टर नंबर 3 वी विल मूव टू चार्जेस विच आर इन मोशन विच कॉन्स्टिट्यूट द करंट. तो अभी विद द चैप्टर 1 and 2 वी विल बी डूइंग ओनली स्टेशनरी चार्जेस. लेट्स नाउ टॉक अबाउट पोटेंशियल. बिफोर आई इंट्रोड्यूस अ टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आई वुड लाइक टू आस्क यू. मैंने ये पोटेंशियल वाली टर्म ग्रेविटेशन में भी कराई थी, है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या किसी को वो डेफिनेशन याद आती है क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? किसी को भी वो टर्म याद आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. याद आती है डेफिनेशन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद आती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. अरे हाँ ना में बोलो तो सही, हाँ आती है या नहीं आती है, है ना. तो वहीं से लेट्स गेट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. वर्क डन क्या होगा? अगेंस्ट द फोर्स होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. यही होता है ना, दैट वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आप एक बॉल को उठाते हैं और ग्राउंड से छत के ऊपर रख देते हैं तो यू आर डूइंग अ फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ना. ग्रेविटी डाउनवर्ड जग रही है, उसके फोर्स के अगेंस्ट ले जा करके उसको अगर आप ऊपर रखते हो, सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू दैट बॉल ना. यस और नो? ऑन द सिमिलर लाइन्स दैट एनर्जी वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट वर्क डन वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैंने आपको नोट्स भेज दिए थे. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन हाँ जी इन, मुझे तो लगा तो भूल गया, इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट, हाँ कर रहे हो यार, पर आई डोंट नो ऊपर से कट के आएगा या कैसे, क्योंकि अभी तक लैपटॉप ठीक नहीं हुआ है तो फोन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, दूसरे वाले फोन पे. लेट्स होप ठीक ठाक हो जाए. हाँ बिकॉज यस, इफ यू कैन गो अहेड एंड रिकॉर्ड. इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. यहां से मेरे फोन मुझसे नहीं हो पाता, होस्ट से मैंने तो परमिशन अनेबल नहीं करी हुई, डिसेबल नहीं करी हुई, बट पता नहीं. चलो लेट्स गो अहेड. लेट्स कंसिडर, मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा Q और मुझे उसको P पॉइंट पे आना है, दूसरे किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q. इस चार्ज की विसिनिटी में मुझे एक और चार्ज, लेट्स कंसिडर द चार्ज आई एम गोइंग टू ब्रिंग इज Q. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को आई वॉन्टेड टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P. The force which is acting on my charge is outwards. हाँ जी, force क्या लगेगा? Outwards लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है? Positive charge है. Let's consider this distance to be r and let's suppose आप A point पे लाते हैं. At any time t your charge is at point P. मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक चार्ज Q है, इसकी विसिनिटी में एक और चार्ज को आप ला रहे हैं इन्फिनिटी से. एट टाइम T आपका चार्ज P पोजिशन के ऊपर है, तो फोर्स विल बी एक्टिंग आउटवर्ड्स, फोर्स आउटवर्ड्स लगेगा. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस तरफ है, तो जो आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं dr वो इस तरफ है और फोर्स जो है वो उस तरफ लग रहा है. सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, मुझे यहां तक लाना है. ठीक है, आई वॉन्टेड टू कीप इट विद इन्फिनिटी टू A. लेट सपोज ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है.
दिस वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल एफ डी आर यस कॉस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के पोजिशन क्या है, ऑपोजिट है, डी आर इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स ऑपोजिट तरफ लग रहा है, सो एंगल इज 180 डिग्री एंड हेंस आई गेट माइनस एफ डी आर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ एफ इज क्यू इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज आपका क्यू है जिसको आप ला रहे हो, सो राइट डाउन इट विल बी क्यू माइनस क्यू इंटू ई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर एट द पॉइंट पी, डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, सो लेट्स राइट डाउन इट विल बी माइनस के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर. के क्यू क्यू तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, लेट्स राइट डाउन माइनस के क्यू क्यू, वन बाय आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, माइनस वन बाय आर, माइनस वन बाय आर, एंड व्हाट इज दी लिमिट, द लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर. इनिशियली द डिस्टेंस वॉज इन्फिनिटी, नाउ यू हैव टू कैप्ट इट एट के, सो द डिस्टेंस वुड बी इन्फिनिटी टू आर. इज इट क्लियर, यहां तक समझ आता है, सो द लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. यार यहां पे आप इन वो तो विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, सो दिस इज माइनस के क्यू माइनस वन बाय आर. राइट डाउन द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज कैपिटल आर, लोअर लिमिट इज वन बाय इन्फिनिटी विच विल गिव मी जीरो, सो दिस विल बी माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड विल गिव यू के क्यू क्यू बाय आर. सो द वर्क डन इज के क्यू क्यू बाय आर, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज के क्यू क्यू बाय आर. नाउ वॉट इज द पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो आई टू डिवाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एट ए विच इज नॉर्मली द पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, सो वी इन्फिनिटी ए वुड बी रिटन एज वी ए, है ना, क्योंकि वेन एवर वी राइट डाउन वी ए इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज अ पॉइंट विद द पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो, सो वी ए वुड बी के क्यू सॉरी डब्ल्यू इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू विच विल गिव मी के क्यू बाय सॉरी दिस इज कैपिटल आर ना कैपिटल आर k q by r, so va is equals to k q by r. Electric field is k q by r square, potential is k q by r. समझ आता है या रिपीट करूं इसको? These derivations are not going to come up in your exam. ऐसी कोई भी derivation paper में नहीं आती. Potential के numerical और potential के conceptuals आते हैं, इसलिए दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रीच दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, ओके, शैल आई रिपीट या आगे बढ़े? मैं एक बार ही ये डेरिवेशन दोबारा से बता रही हूं, मुझे ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद इसकी जो भी कंसिक्वेंसेज है वो डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. यू हैव अ चार्ज क्यू, इन्फिनिटी से आप एक स्मॉल चार्ज क्यू को ला रहे हैं, और एट एनी टाइम टी योर चार्ज रीचेज टू द पॉइंट पी, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन माई चार्ज इज आउटवर्ड एंड द चार्ज इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्यू, सो द एंगल बिटवीन द टू इज 180 डिग्री बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. So work done is F dot dr. On removing the dot, we'll get F dr cos 180 degree. Cos 180 is minus, so minus F dr. F is Q into E, so Q into E dr minus. यहाँ पे you write down the value of electric field. What is the value of electric field? That is K Q by r square.
द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर. ऑन सब्स्टिट्यूशन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 बाय आर. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच विल गिव मी के क्यू क्यू बाय आर. दिस इज वर्क डन. नाउ पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो वी हैव टू डिवाइड विद द चार्ज. डब्ल्यू इन्फिनिटी ए बाय क्यू विल गिव यू के क्यू बाय आर. सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. फॉर द पॉजिटिव चार्ज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज पॉजिटिव. फॉर द नेगेटिव चार्ज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज नेगेटिव. फोर्स और फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव रहेगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जैसे वोल्ट होती थी वैसे यहाँ पे भी वोल्ट रहेगी, है ना. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज ना, डब्ल्यू बाई क्यू, यही लिख के आए हो ना. सो एक और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, जूल पर कूलम. सो वॉट इज द यूनिट, जूल पर कूलम, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम. अगर मुझे यहां से 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, इट्स अ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, है ना. It's a 1 joule of work done in taking a 1 coulomb of charge from infinity to that point without acceleration. पहली derivation समझ आती है हम सबको? Video pause हो रही है क्यों? कुछ कैमरे के आगे आ गया? ठीक है, चलिए. Let's now get to electric potential difference. Let's get to electric potential difference. Shall I erase this? वैसे जो हमने यहाँ पे निकाला ये potential difference ही है, लेकिन the other point is taken to be infinity और जहाँ पे potential को हम zero ले लेते हैं, है ना, क्योंकि infinity में position क्या है, infinity है, तो 1/∞ will give me zero. This is not even a potential, this is potential difference only. बट अभी फिर से सेम डेरिवेशन दो पॉइंट्स लेकर के, एक ए है तो दूसरा इन्फिनिटी नहीं दूसरा बी लेकर के करेंगे, सेम रिजल्ट्स आएंगे, 1/RB - 1/RA. लेट्स डू इट विद पोटेंशियल डिफरेंस. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. ठीक है, अब इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. लेट्स कंसिडर, यहाँ ओ पे मैंने एक चार्ज क्यू रखा है एंड वी स्टार्टेड टेकिंग अ चार्ज. हम एक चार्ज को लाना शुरू करते हैं फ्रॉम सम पॉइंट. लेट सपोज ये पॉइंट ए है, इनिशियली इसका डिस्टेंस इज टेकन टू बी आर ए एंड वी वॉन्टेड टू टेक दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट बी एंड दिस डिस्टेंस इज टेकन टू बी आर बी एंड एट एनी पॉइंट पी द डिस्टेंस इज टेकन टू बी आर. समझ आ रहा है? यस और नो, आई रिपीट वंस अगेन. मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ला रही हूं अपने टेस्ट चार्ज को या चार्ज क्यू को एंड एट एनी पॉइंट पी द डिस्टेंस इज टेकन टू बी स्मॉल आर. नाउ एट पी द फोर्स विल बी एक्टिंग वर्टिकली, सॉरी आउटवर्ड्स. फोर्स ऑन द चार्ज इज आउटवर्ड्स, द डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड्स, अगेन द एंगल इज 180 डिग्री. सो लेट्स राइट डाउन द वर्क डन. वर्क डन इज टेकिंग फ्रॉम ए टू बी इज एफ डी आर कॉस 180 डिग्री विच विल गिव मी माइनस एफ डी आर. फिर से एफ को आई कैन राइट डाउन क्यू इंटू ई
माइनस क्यू ई को लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर एंड दिस डिस्टेंस इज वेरिंग फ्रॉम आर ए टू आर बी बिकॉज यू आर टेकिंग योर पोजिशन फ्रॉम ए टू बी. सो डब्ल्यू ए बी इज गिवन बाय टेकिंग के क्यू क्यू माइनस आउटसाइड 1 बाय आर स्क्वायर इज माइनस 1 बाय आर अपर लिमिट इज आर बी एंड लोअर लिमिट इज आर ए. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो आई हैव के क्यू क्यू 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए. This work done is stored in the form of potential energy and the potential VAB is equals to WAB divided by the test charge small q which is equals to KQ 1 upon RB minus 1 upon RA. So this is potential difference between two points A and B. Is it visible? This is the potential difference between two points A